think the girls with their nails done now. तो भाइयों और बहनों आ चुके एक और नई वीडियो के साथ एनईडी गेम वाइटिंग। आज मैं बताऊंगा जीएसएक्स टूल फॉर पबजी मोबाइल का सेटिंग्स कैसे करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के साथ। अगर इंट्रो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बिना जीएफएक्स लगाया हुआ सेटिंग, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको जीएफएक्स लगाया हुआ सेटिंग्स और गेम प्ले। बिना जीएफएक्स लगाए हुए सेटिंग में हमको स्मूथ में हाई मिल रहा है और हम लोग को प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है जीएफएक्स टूल फॉर पबजी मोबाइल और जो सबसे पहले आएगा वही डाउनलोड करना है। ये जीएफएक्स फ्री है। आपको पेड वाले जीएफएक्स का सेटिंग जानना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो अब हम लोग खोलते हैं जीएफएक्स टूल फॉर पबजी। तो हम लोग का जीएफएक्स खुल गया है। अब जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ ग्लोबल CNKR VNTW लाइट लिखा हुआ है। जैसे आप लोग ग्लोबल को खेल रहे हैं तो ग्लोबल पे क्लिक कर लीजिए। रिजोल्यूशन रहेगा डिफॉल्ट, ग्राफिक्स रहेगा सो स्मूथ, FPS 60 FPS कर दीजिए, एंटी एलाइजिंग डिसेबल रहेगा, स्टाइल्स कलरफुल रखा और रेंडरिंग क्वालिटी रहेगा लो और कलर फॉर्मेट 32 बिट, लाइट इफेक्ट डिसेबल कर दीजिए, ग्राफिक्स API ओपन GL, GPU ऑप्टिमाइजेशन अनेबल रहेगा, साउंड क्वालिटी डिफॉल्ट रहेगा, वाटर रिफ्लेक्शन अनेबल, फेस चेंजेस अनेबल। GFS की सेटिंग लगाने के बाद हमको स्मूथ में एक्सट्रीम मिल रहा है, प्लस 60 FPS मिल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्सट्रीम खेल के हमको 60 FPS मिल रहा है। Yeah.
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा। धन्यवाद।